औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्राह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दता मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। हम क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट हमारा जिसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी हम कंसिडर कर रहे हैं, और चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, स्क्रीनिंग फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। क्या हम कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो होती हैं जिसके अंदर हार्ट डिजीज़ आती हैं, ठीक है, और ब्लड वेसल्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो हम उसकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। तो इस चैप्टर के अंदर अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर ले रहे हैं और हम देखेंगे कि कौन से साइंस और सिम्टम्स आते हैं। अगर किसी को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो फटीक आ रहा है, पैल्पिटेशंस आ रही हैं, डिस्कम्फर्ट है, ठीक है, सिंकोप है, वो बंदा फेंट हो जाता है, डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह, ये कुछ चीज़ें हैं। हम अभी इनको आज हम साइंस एंड सिम्टम्स को ही डिटेल में देखेंगे। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। कार्डिनल सिम्टम्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर कार्डियक डिजीज़ यूजली इंक्लूड। जो कार्डिनल सिम्टम्स हैं, जो अहम वाइटल सिम्टम्स हैं, इंपॉर्टेंट जो सिम्टम्स हैं, उसमें चेस्ट पेन आ जाता है, चेस्ट, नेक और आर्म पेन आती है, ठीक है। लोगों को मतलब चेस्ट रीजन में पेन होती है, गर्दन में होती है, बाजू में दर्द जाती है, डिस्कम्फर्ट होती है, पैल्पिटेशन। पैल्पिटेशन को हम हार्ट रिदम के साथ रिलेट करते हैं कि इरेगुलर रिदम हो जाता है, और डिस्निया हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसको हम कहते हैं सिनकोप, बंदा फेंट हो जाता है, उसको अगर कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, फटीग हो जाती है उसको, खांसी होगी, डायफ्रेसिस, हम एक्सेसिव स्वेटिंग को कहते हैं, फिर साइनोसिस हो जाती है, फिर एडिमा एंड द लेग पेन, एडिमा है, लेग पेन, क्लॉरिकेशन आर द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ द कार्डियोवास्कुलर वास्कुलर कंपोनेंट ऑफ द कार्डियोवास्कुलर पैथोलॉजी कंडीशन, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, ब्लड वेसल नैरो हो गई हैं या उसके अंदर कोई ब्लॉकेज है तो क्लॉरिकेशन हो सकती है, एडिमा वगैरह हो सकता है। खासतौर पर वेंस की प्रॉब्लम है तो एडिमा है, आर्टरीज़ की प्रॉब्लम है क्लॉरिकेशन, तो ये हम देखते हैं आगे। तो चेस्ट पेन के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है कि जो चेस्ट पेन है, जो डिस्कम्फर्ट है, इज़ द कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम ऑफ द कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ एंड मस्ट बी इवेल्यूएटेड केयरफुली, एंड द चेस्ट पेन में भी कार्डियक और द नॉन कार्डियक रीजन। तो ये जानना ज़रूरी होता है कि जो चेस्ट पेन है वो क्या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से आ रही है या फिर इनडाइजेशन हुई हुई है, हार्ट बर्न हो रहा है, ठीक है, जो कि जर्ड भी हम कहते हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स आता है डिज़ीज़, ठीक है, तो उसके अंदर भी मतलब इस टाइप की दर्द भी होती है, ठीक है, तो वो हमें देखना है कि कार्डियक नेचर है। और अगर फिर वो रेडिएट कर रही होती है चेस्ट पेन, नेक की तरफ भी रेडिएट कर जाती है, जॉ में होती है, अपर ट्रेपीजियस मसल में, तो ये पता होना चाहिए कि किधर किधर, गर्दन में, जबड़े में, अपर ट्रैप्स में, फिर अपर बैक में, शोल्डर में, आर्म्स में, और ख़ास तौर पर लेफ्ट आर्म में ज़्यादा पेन रेडिएट करती है। रेडिएटिंग पेन डाउन द आर्म फॉलोज द पैटर्न ऑफ अल्नर नर्व डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसने बताया कि अगर जो रेडिएटिंग पेन होगी ना, अगर वो आर्म में हो रही है, तो वो जो अल्नर नर्व जिस तरह से ब्रेकियल प्लेक्सस से निकल कर हमारे पूरे बाजू से गुजर कर वो आ रही है, अल्नर नर्व और हमारी कोहनी के, ठीक है, पीछे से गुजर कर आती है, तो अल्नर नर्व की जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है उसे ही के साथ साथ दर्द हो रही होती है। तो पेन ऑफ द कार्डिक रीजन कैन बी एक्सपीरियंस्ड इन द सोमैटिक एरियाज़, के दर्द हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से है और वो सोमैटिक मतलब बॉडी एरियाज़ में होती है, क्योंकि हार्ट इज़ सप्लाइड बाय द C3 एंड T4 स्पाइनल सेगमेंट्स। क्योंकि हार्ट को जो सप्लाई मिल रही है नर्व सप्लाई, उसकी रेंज उन्होंने बता दी है C3 से ना T4 तक, ठीक है, और जो जो ऑर्गन्स, जो जो बॉडी पार्ट भी C3 से T4 से तक सप्लाई हो रहा है, तो उधर पेन रेडिएट कर सकती है, क्योंकि हार्ट और उन दोनों का सेम मल्टी सेगमेंटल, जिसे हम कहते हैं ना नर्व सप्लाई, अभी हम चैप्टर 3 भी इंशाल्लाह पढ़ना है, उसके अंदर ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो ये सब चीज़ें उन्होंने हमें बता दी हैं कि इसलिए हार्ट पेन सोमैटिक रीजन्स पे उसकी पेन ट्रैवल करती है। फिर लिखा हुआ हार्ट एंड द डायफ्राम सप्लाइड बाय द C5 एंड C6 स्पाइनल सेगमेंट कैन रेफर पेन टू द शोल्डर, क्योंकि शोल्डर भी C5 और C6 से सप्लाइड हो रहा है, डायफ्राम और हार्ट भी, तो अगर हार्ट का कोई प्रॉब्लम है या डायफ्राम की कोई प्रॉब्लम है तो हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से भी पेन शोल्डर में जा सकती है। अगर कोई डायफ्रामेटिक ओरिजिन से कोई पेन आ रही है वो भी शोल्डर में जाएगी, क्योंकि इनके स्पाइनल सेगमेंट सेम है, C5 और C6 इन्होंने बता दिया, ठीक है, इसलिए हार्ट की पेन भी शोल्डर तक जाती है, और डायफ्राम में अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, मसल में,
तो उधर भी दर्द शोल्डर में जा सकती है। अब हम आगे कुछ चीज़ें देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सर्वाइकल डिस्क डिजीज़ एंड अर्थराइटिक चेंजेस कैन मिमिक ए टिपिकल चेस्ट पेन। मतलब अगर किसी को प्रॉब्लम तो सर्वाइकल रीजन में है, ठीक है, उसके जो गर्दन के लेवल पर जो उसकी डिस्क की कोई प्रॉब्लम हुई हुई है, ठीक है, सर्वाइकल डिस्क डिजीज़ है या फिर अर्थराइटिक उसको मतलब अर्थराइटिस चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, तो इस चीज़ की भी जो पेन है वो ऐसा लगता है कि इसको चेस्ट पेन होती है इस वजह से भी, तो ये नॉन कार्डियोक रीजन है, ठीक है। पर चेस्ट पेन डेट इज़ एट्रीब्यूटेड टू एनजाइटी ट्रिगर पॉइंट्स एंड कोकेन यूज़र। कभी कभी इंसान को एनजाइटी में चेस्ट पेन हो रही होती है, कोई ट्रिगर पॉइंट्स उसके बने होते हैं, जो पैक मेजर मसल है उसके ऊपर ट्रिगर पॉइंट्स बने हो सकते हैं, या कोई बंदा कोकेन का इस्तेमाल करता है तो इस वजह से भी चेस्ट पेन हो सकती है, ठीक है। अभी उन्होंने हमें कुछ एक टेबल सा बता दिया है। हम पैल्पिटेशन पढ़ने से पहले मेरा ख्याल है कि हम टेबल पढ़ लेते हैं। कार्डियोवास्कुलर साइंस एंड सिम्टम्स, तो अगर कोई कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसके कैसे साइंस और सिम्टम्स आएंगे। हम इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि जनरल आम जो सिम्टम्स हैं पूरी बॉडी के ऊपर ओवरऑल वो क्या आएंगे। फिर हम इंटेगमेंट्री की कैटेगरी में देख लेंगे कि स्किन क्या प्रॉब्लम, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिलेटेड, लंग्स पर क्या असर पड़ रहा है हार्ट प्रॉब्लम का, जेनिटो यूरिनरी सिस्टम पर, मस्कुलोस्केलेटल पर, फिर GI गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो हमें इस तरह कैटेगरीज होंगी तो हमें याद करने में आसानी होगी कि जनरल अगर देखा जाए कि अगर किसी को कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है, ठीक है, हार्ट प्रॉब्लम है, तो उसको ना वीकनेस होगी, ठीक है, उस बंदे को फटीग हो जाएगी, कमज़ोरी है, थकावट है, उसका वेट भी चेंज हो जाता है, अक्सर लोगों का वेट लॉस हो जाता है, पुअर एक्सरसाइज टॉलरेंस। जो लोग हार्ट के पेशेंट होते हैं ना, वो ना एक्सरसाइज टॉलरेट नहीं कर रहे होते, उनके अंदर जो एक्सरसाइज टॉलरेंस होती है वो कम होती है, और फिर उनको पेरिफेरल एडिमा होगा, ठीक है, पेरिफ्री जो रीजन्स हैं, पाँव सूज जाना, हाथ पाँव का सूज जाना, ठीक है, तो ये उन्होंने हमें बताया, एंकल स्वेल कर जाते हैं। तो ये जनरल था। अगर इंटेगमेंट्री देखा जाए तो इनके अंदर प्रेशर अल्सर्स, क्योंकि ब्लड ठीक से सर्कुलेट नहीं कर रहा, हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट पम्प नहीं ठीक से कर रहा, तो अल्सर्स जनरेट हो सकते हैं, बॉडी हेयर कम हो जाएंगे, और साइनोसिस ऑफ द लिप एंड द नेल बेड्स, ठीक है, होंठ ऐसे नीले हो जाएंगे, मतलब ये शो करेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कमी है और नेल बेड्स। तो ये हमने इंटेगमेंट्री देख लिया। इस तरह सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो अगर ब्रेन रिलेटेड उसको कोई चेंजेस आ रही हैं, CNS रिलेटेड, तो उसको सर दर्द होगी, उसका VN प्रॉब्लम हो सकती है, इम्पेयर्ड VN हो सकता है, ठीक है, हार्ट के पेशेंट को डिजीनेस और सिंकोप हो सकता है कि उसको फेंटिंग हो सकती है, उसको चक्कर आ सकते हैं, ठीक है, ऐसे गुनूदगी सी हो सकती है उसको, ड्राउजीनेस वैसे होता है, डिजीनेस यहाँ पर लिखा है उन्होंने, ठीक है। और फिर पल्मोनरी रिलेटेड अगर देखें जाए तो लेबर्ड ब्रीदिंग, उस बंदे को सांस लेने में थोड़ी दुश्वारी आ रही है, मुश्किल आ रही है, और डिस्निया है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, और फिर अगर वो कफ करता है तो वो प्रोडक्टिव कफ आती है उसको, ठीक है। फिर GI प्रॉब्लम, सॉरी GU, जेनिटो यूरिनरी अगर हम प्रॉब्लम्स देखें तो यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, मतलब हार्ट पेशेंट को यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, मतलब बार बार उसको अर्ज होती है, और फिर रात के वक्त नॉक्ट यूरिया, मतलब रात को ज़्यादा उसको यूरिनेशन होती है, फिर कंसनट्रेटेड यूरिन, देखो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मतलब बार बार हो रही है, लेकिन कंसंट्रेटेड मतलब गाढ़ा यूरिन आ रहा है, ठीक है। फिर डिक्रीज्ड यूरिनरी आउटपुट है, यूरिन आ कम रहा है लेकिन बार बार आता है थोड़ा थोड़ा, इस तरह MSK प्रॉब्लम हम देखते हैं पॉज के बाद, एक मिनट। हाँ जी, तो हम मस्कुलोस्केलेटल सिम्टम्स देखने वाले थे कि अगर मसल्स रिलेटेड MSK रिलेटेड क्या सिम्टम्स हैं, तो चेस्ट पेन होती है, ठीक है, सॉरी शोल्डर में पेन होगी, बैक में, कमर में, गर्दन में, जॉ में, आर्म में, ठीक है, तो ये सब MSK रिलेटेड चीज़ें हैं कि उसको चेस्ट में, शोल्डर में, बैक में, नेक में, जॉ में पेन है, आर्म्स में पेन है, फिर मायल्जिया है, मसल पेन कोई कहते हैं, ठीक है, मस्कुलर फटीग हो गई है उसको, हार्ट के पेशेंट्स को ओवरऑल मसल एट्रोफी हो जाती है, एडिमा हो जाता है, क्लॉडिकेशन आ रही होती है, तो ये उन्होंने MSK रिलेटेड बात की, क्योंकि क्लॉडिकेशन में काफ मसल्स पेन करते हैं, ठीक है, तो थाई और लेग, लोअर लेग दोनों के मतलब ऐसे टांगों में दर्द होती है, तो ये भी MSK उन्होंने इसके अंदर बता दिया। फिर GI रिलेटेड अगर देखा जाए तो उस बंदे को नासिया हो सकता है, ठीक है, दिल ख़राब होना, फिर वॉमिटिंग का आना,
फिर एसाइटीज़ हो सकती हैं, एबडोमिनल एसाइटीज़, ठीक है ना, एबडोमिन डिस्टेंशन हो सकती है, ऐसे पेट फूल जाता से कि पानी अंदर भर गया हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने देख ली। अब हम फौरन से कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं उनको उन्होंने कुछ डिटेल लिखी हुई है, हम वैसे ही देख लेते हैं। हमें वैसे भी पता है कि पैल्पिटेशन, हमने कहा था कि इरेगुलर हार्ट बीट होती है, हार्ट रिदम ख़राब हो रहा है, तो पैल्पिटेशन द प्रेजेंस ऑफ एन इरेगुलर हार्ट बीट मे बी रेफर्ड टू एन एरिदमिया और द डिसरिदमिया विच मे बी कॉज्ड बाय द रिलेटिवली बिनाइन कंडीशन, मिट्रल वेल्व प्रोलैप्स, एथलीट्स हार्ट, कैफीन, एन्जाइटी, एक्सरसाइज। तो पैल्पिटेशंस की काफ़ी रीज़न हो सकती हैं। तो एक बंदे को अगर कुछ लोग मिट्रल वेल्व अगर कोई प्रॉब्लम है, बाइकस्पिड वेल्व अगर ख़राब हो गया किसी का, हार्ट प्रॉब्लम है तो वो पैल्पिटेशन होगी उसको, ठीक है। फिर एथलीट्स हार्ट एक कंडीशन ने लिखी हुई है कि उसको भी पैल्पिटेशन होती है। फिर कैफीन लोग जो यूज़ कर रहे होते हैं, फिर किसी को अगर एन्जाइटी है तो अक्सर अगर आप वो अचानक कोई ऐसी बात सुन लो, शॉक वाली कोई अजीब बात सुन लो आप, कोई भी न्यूज़ ऐसे हो तो दिल की धड़कन आपको पता है ऐसे तेज़ हो जाती है, इरेगुलर दिल ऐसे धड़कना शुरू हो जाता है, तो वो पैल्पिटेशन होती है। और एक्सरसाइज नॉर्मली भी अगर एक्सरसाइज लोग करें ना, सीवियर स्ट्रीन्यूअस एक्सरसाइज जो लोग करते हैं तो उधर भी पैल्पिटेशन आती है। और सीवियर कंडीशन, अगर किसी को सीवियर कंडीशन है तो वो उन्होंने हमें बता दी है, पहले बिनाइन कंडीशन बताई, उन्होंने सीवियर बता दिया कि अगर कोई क्रोनरी आर्टरी की प्रॉब्लम है तो वो एक सीवियर है। फिर कार्डियोमायोपैथी अगर किसी को ही भी है, हार्ट मसल की प्रॉब्लम है या हार्ट टोटली ब्लॉक हो चुका है या वेंट्रिकुलर एनोरिज्म है या फिर एट्रियो वेंट्रिकुलर, जो एट्रिया से वेंट्रिकुलर का जो वेल्व होता है उधर कोई प्रॉब्लम है, या मिट्रल या फिर एओर्टिक स्टिनोसिस हुआ हुआ है। तो ये उन्होंने हमें अब कॉजेज भी बता दिए कि पैल्पिटेशन कोई हार्ट प्रॉब्लम है, कोई क्रोनरी आर्टरी की प्रॉब्लम उन्होंने बता दिया, हमें एवी वेल्व के बारे में बता दिया, वेंट्रिकुलर एनियरिज्म, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, कार्डियोमायोपैथी, विट्रल मिट्रल और एओर्टिक स्टिनोसिस भी लिखा है। द सेंसेशन ऑफ द पैल्पिटेशंस हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ बम्प, ऐसा लगता है कोई बम्प, कोई पाउंड, कोई जंप, फ्लॉप, नटर और रेसिंग सेंसेशन ऑफ द हार्ट। तो ये कुछ टर्म्स उन्होंने यूज़ किए हैं पैल्पिटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए कि बम्प, पाउंड, जंप, फ्लॉप, नटर, रेसिंग सेंसेशन, ठीक है। एसोसिएटेड सिम्टम्स में इंक्लूड लाइट हेडेडनेस और द सिनकोप। अगर किसी को पैल्पिटेशंस आ रही हैं, उसकी हार्ट बीट इरेगुलर होगी तो उसका सर भी ऐसे चक्कर आएगा, लाइट हेडेडनेस, उसको सिनकोप फील होगा, मतलब फेंटिंग, और पैल्पिटेट जो पैल्पेटेड पल्स होगी मे फील रैपिड और इरेगुलर। अगर आप नर्व्स चेक करोगे, पल्स देखोगे तो क्योंकि पैल्पिटेशंस हो रही हैं तो पल्स में भी फ़र्क आ रहा है, इरेगुलर होगी, एज इफ द हार्ट स्किप्ड अ बीट, तो ऐसा लगेगा कि शायद वो एक बीट स्किप कर रहा है और फिर आ रही है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कि फ्लटरिंग सेंसेशन इन द नेक, कभी कभी उसकी गर्दन के रीजन में भी ऐसे ना फ्लटरिंग सेंसेशन आ सकती है। जनरली अनलेस अकम्पेनियड बाय द अदर सिम्टम्स, दी सेंसेशंस इन द नेक आर कॉज्ड बाय द एंजाइटी। तो एक्चुअली उसको एंजाइटी की वजह से हो सकता है, ये रैंडम मसल फैसिकुलेशन हो जाती है या माइनर मसल स्ट्रेन या ओवर यूज़। तो अगर मसल ज़्यादा ओवर यूज़ हो, उस पर कोई स्ट्रेन पड़े या एंजाइटी हो तो फिर भी ये ना फ्लटरिंग सेंसेशन नेक में आ सकती है। फिर पैल्पिटेशंस की बात कर रहे हैं कि कैन बी कंसिडर्ड फिजियोलॉजिक when less than 6 occurs per minute, तो हम कहेंगे कि ये फिजियोलॉजिक है, मतलब अगर 6 से कम अगर बीट्स आ रही हैं ना, ठीक है, पर मिनट के अंदर पैल्पिटेशंस आ रही हैं, अगर 6 से कम पैल्पिटेशंस आ रही हैं तो हम उसको फिजियोलॉजिक कहेंगे। दिस में भी कंसिडर विद इन द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द हार्ट, तो हम कहते हैं कि चलो 6 से कम अगर आ रही हैं तो ये नॉर्मली होता ही है, लेकिन पैल्पिटेशन लास्टिंग फॉर द आवर्स और अकरिंग इन एसोसिएशन विद द पेन शॉर्टनेस। लेकिन अगर पैल्पिटेशंस घंटों तक आ रही हैं और फिर उसके साथ साथ दर्द है बंदे को हो रही, उसको सांस लेने में मुश्किल हो रही है, वो फेंट हो रहा है, लाइट हेडेडनेस है, तो इसके लिए अब उसको इवेल्यूएशन की ज़रूरत है। और पैल्पिटेशन इन एनी पर्सन विद अ हिस्ट्री ऑफ अनएक्सप्लेन्ड सडन डेथ इन द फैमिली रिक्वायर्स मेडिकल रेफरल। अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसी हिस्ट्री है कि उसको पैल्पिटेशन की वजह से अनएक्सप्लेन्ड, मतलब अगर उसकी कोई सडन डेथ हुई हुई है तो फिर तो आपको रेफ़र कर देना चाहिए कि मतलब फिजिकल थेरेपिस्ट इसको ना ट्रीट करे, कोई फिजिशियन ही देखे। फिर पैल्पिटेशंस और सिमिलर फिनोमिना में भी एक्सपीरियंस सिम्टम्स ऑफ द हार्ट डिजीज। पैल्पिटेशंस में अगर एज अ रिजल्ट ऑफ एन ओवर एक्टिव थायराइड, कुछ लोगों का ना जो थायराइड होता है ना हार्मोन, वो बहुत ओवर एक्टिव होता है, उस वजह से पैल्पिटेशंस आ सकती हैं। यहाँ पर जो लोग कैफीन यूज़ करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं या फिर चाय कुछ ऐसी है जिसके अंदर कैफीन बहुत ज़्यादा है, ठीक है,
तो उन लोगों की भी पैल्पिटेशंस आ रही होती हैं, और साइड इफेक्ट ऑफ सम मेडिकेशन, तो कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं कि एंड विद द यूज़ ऑफ ड्रग्स सच एज कोकेन, अगर वो कोकेन या नशावर कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ड्रग्स लेने के नतीजे में भी ये आ सकती हैं। फिर आगे हम डिस्निया अक्सर पढ़ते आ रहे हैं जी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, अब कुछ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रात के वक्त आती है, बैठने से ठीक हो जाती है, तो वो हम देख लेते हैं कि जी आल्सो रेफर्ड एज द ब्रेथलेसनेस ऑफ द शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ एंड कैन बी कार्डियोवास्कुलर इन रीजन, बट इट मे अकर सेकेंडरी टू अ पल्मोनरी पैथोलॉजिक कंडीशन। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कोई लंग्स के प्रॉब्लम, अगर किसी को लंग्स का मसला है, फेफड़ों का मसला है, तो तब भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ रही होती है, और ये कार्डियोवास्कुलर इन नेचर भी हो सकती है। फिर फीवर, सडन मेडिकेशंस लेने में, अगर किसी को एलर्जी है, कुछ दवाइयों के नतीजे में सांस नहीं ठीक से आता, कुछ एलर्जी होती है लोगों को, पुअर फिजिकल कंडीशनिंग है, या ठीक है, या ओबीज जो लोग होते हैं, ठीक है मोटापे में भी डिस्निया होता है, उनसे भी सांस उनका उखड़ जाता है, तो अर्ली ऑनसेट ऑफ द डिस्निया में भी डिस्क्राइब्ड एज हैविंग टू ब्रीथ टू मच और एज एन अनकम्फर्टेबल फीलिंग ड्यूरिंग ब्रीदिंग आफ्टर एक्सरसाइज और एग्जर्शन। अच्छा, तो उसने ये लिखा हुआ है कि इंसान जब उसको अभी शुरू में डिस्निया हुआ है, तो यहाँ तो वो बहुत ज़्यादा ब्रीद करता रहेगा, फ़ौरन ऐसे करी जा रहा है, सांस उखड़ है उसका, ठीक है, और अनकंफर्टेबल फीलिंग आएगी उसको, और ये आफ्टर एक्सरसाइज हो सकती है और एग्जर्शन के बाद होना ये नॉर्मल है। तो डिस्निया ऑन एग्जर्शन, कि कोई बंदा एक्सरसाइज करता अक्सर इंसान का सांस फूल जाता है, व्हेन कॉज्ड बाय इम्पेयर्ड लेफ्ट वेंट्रिकल दैट इज अनेबल टू कंट्रैक्ट कम्प्लीटली रिजल्ट्स इन लंग्स इनएबिलिटी टू एम्प्टी इटसेल्फ ऑफ द ब्लड। तो ये भी उसने लिखा है कि जब कभी लेफ्ट वेंट्रिकल की प्रॉब्लम है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, और अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल देखें कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, तो जो ब्लड है उसने ऊपर की तरफ ही जाना है ना, जब वो बाहर नहीं निकाल रहा, बॉडी को नहीं दे रहा, वो ऊपर की तरफ ब्लड जाना शुरू कर देता है, वो लंग्स के तरफ भी चला जाता है कभी कभी, ठीक है, और फिर लंग्स ऐसे होते हैं कि उसके अंदर कंजेशन होना शुरू हो जाती है, लंग्स भी फिर कम्प्लीटली ब्लड को एम्प्टी नहीं कर पाते, क्योंकि आगे से वेंट्रिकल ही ठीक से काम नहीं कर रहा, वो कंट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो फिर लंग्स के अंदर कंजेशन हो जाती है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ उस वजह से भी हो सकती है कि प्रॉब्लम हार्ट की थी और उसने लंग्स को भी साथ इन्वॉल्व कर लिया। तो विद सीवियर कम्प्रोमाइज ऑफ द कार्डियोवास्कुलर और द पल्मोनरी सिस्टम, डिस्निया मे अकर एट रेस्ट। अगर इंसान को बहुत ज़्यादा हार्ट प्रॉब्लम है या सीवियर प्रॉब्लम है लंग्स की, तो रेस्ट पे, मतलब आराम से बैठे हुए भी उसका सांस ऐसा फूल रहा होगा, उखड़ रहा होगा, ठीक है। द सीवियरिटी ऑफ द डिस्निया इज डिटरमाइंड बाय द एक्सटेंट ऑफ द एक्सरसाइज, डिजीज़ कि जितनी गहरी और सीवियर डिजीज़ होगी उतना ही उसका डिस्निया होगा, एंड द मोर सीवियर द हार्ट डिजीज़ इज द ईजियर इट इज़ टू ब्रिंग ऑन डिस्निया। तो जितनी शदीद हार्ट प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को फिर डिस्निया भी हो जाता है। फिर एक्सट्रीम डिस्निया इंक्लूड्स पैरॉक्सिज्मल नॉक्टर्नल डिस्निया, ये जो पैरॉक्सिज्मल नॉक्टर्नल डिस्निया है, ये रात के वक्त का डिस्निया है, ठीक है, कि इंसान लेटता है बेचारा सोने की कोशिश करता है, और उसको PND पैरॉक्सिज्मल नॉक्टर्नल डिस्निया हो जाता है, कि वो सांस उखड़ना शुरू हो जाता है और उसकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। और ऑर्थोपनिया है कि ब्रेथलेसनेस दैट इज़ रिलीव्ड बाय सिटिंग अपराइट विद पिलोज यूज टू प्रॉप द ट्रंक एंड हेड। तो एक तो हमने नॉक्टर्नल देख लिया, एक होता है ऑर्थोपनिया, मतलब जब लेटा हुआ है तब उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, लेकिन जब वो बैठ गया है, उसने अपराइट पोजीशन में वो बैठ गए, या उसने कोई टेक लगा लिया, पीछे पिलोज रख लिए, थोड़ा ऊपर ऊंचा हो गया हार्ट लेवल से, तो फिर उसको वो ठीक हो जाएगा। तो ऑर्थोपनिया में हमने देख लिया कि डिस्निया इज़ रिलीव्ड बाय अडॉप्टिंग अपराइट पोजीशन, सिटिंग पोजीशन, ठीक है, हाँ जी। फिर जो पैरॉक्सिज्मल नॉक्टर्नल डिस्निया और सडन अनएक्सप्लेन्ड एपिसोड्स ऑफ द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फ्रीक्वेंटली अकंपनिंग कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, तो अगर किसी को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है, तो उसको ये PND यानी पैरॉक्सिज्मल नॉक्टर्नल डिस्निया हो रहा होता है, ठीक है, ड्यूरिंग द डे द इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटी इन द अपराइट पोजीशन एंड द शंटिंग ऑफ एक्सेसिव फ्लू टू द लोअर एक्सट्रीमिटीज परमिट मोर इफेक्टिव वेंटिलेशन एंड परफ्यून ऑफ द लंग्स कीपिंग द लंग्स रिलेटिवली फ्लूड फ्री डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ द CHF। अच्छा, तो जब तो बंदा खड़ा हुआ है, दिन के वक्त वो बैठा हुआ है, चल फिर रहे, तो ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है, जब वो अपराइट पोजीशन में होता है, वो खड़ा होता है, तो ग्रेविटी उसको डाउनवर्ड, तो जो भी ब्लड है फ्लूड है वो भी डाउनवर्ड पुल हो रहा होता है नीचे, ठीक है, तो शंटिंग हो जाती है एक्सेसिव फ्लूड की टू द लोअर एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटीज में ब्लड पंप कर रहा होता है, और ज़्यादा अच्छे से बंदा सांस ले रहा होता है, और परफ्यूजन भी हो रही होती है लंग्स की, तो लंग्स ज़रा ना फ्लूड फ्री रहते हैं। लेकिन अगर पैरॉक्सिज्मल जो नॉक्टर्नल डिस्निया है, वो फिर लोगों को जगा के रखता है रात को, फिर
ठीक है, इन द रिकम्बेंट पोजिशन, जब वो लोग लेटे होते हैं रिकम्बेंट पोजिशन में होते हैं तब ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होती है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ द ब्लड रिटर्निंग टू द हार्ट एंड द लंग्स फ्रॉम द लोअर एक्सट्रीमिटीज इंक्रीज इन दिस पोजिशन। क्योंकि जब इंसान लेटा होता है ना तो फिर जो लेग्स वगैरह हैं उनसे जो वेन्स कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, ठीक है, जब वो टिश्यू से लेकर हार्ट की तरफ आ रही होती हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर उन्होंने आना होता है तो वो ज़्यादा हो रहा होता है, तो अब ऊपर की तरफ वो आ रहा है, ठीक है, और फिर पल्मोनरी कंजेशन भी हो सकती है, तो फिर उस दौरान डिस्निया हो सकता है। फिर लिखा हुआ डिस्निया रिलीव्ड बाय स्पेसिफिक ब्रीदिंग पैटर्न्स, तो ठीक है, अगर किसी बंदे को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है तो वो पर्स्ड लिप ब्रीदिंग कर सकता है। पर्स्ड लिप ब्रीदिंग यही होती है कि मुंह को गोल करके ऐसे जिस तरह विसल नहीं इंसान कर रहा होता उस तरह करके मुंह गोल करके वो सांस ले, ठीक है, गहरे सांस ले, और स्पेसिफिक बॉडी पोजीशनिंग, अगर फिर वो लीनिंग फॉरवर्ड ऑन द आर्म्स टू लॉक द शोल्डर गर्डल, वो आगे की तरफ थोड़ा झुक जाए, ठीक है, आर्म्स के बल ताकि उसका शोल्डर गर्डल लॉक हो जाए, तो इट इज़ मोर लाइकली टू बी पल्मोनरी देन कार्डियक एनुरीजन। तो ये चीज़ें तब रिलीव होंगे अगर किसी को पल्मोनरी है ना, पल्मोनरी डिस्निया है, ओरिजिन उसका लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम थी, ठीक है, तो उस केस में अगर वो पर्सनली ब्रीदिंग कर रहा है तो वो फ़ायदा उसको हो सकता है, और अगर वो झुक रहा है तो उसको प्रॉब्लम उसकी ठीक हो सकती है। फिर कार्डिक सिंकोप, सिंकोप ये उन्होंने लिखा हुआ फेंट हो जाना इंसान ऐसे, मतलब उसकी आंखों के आगे अंधेरा भी आ सकता है, वो गिर भी सकता है फेंट होकर, ठीक है, तो कार्डिक सिंकोप और मोर माइल्ड लाइट हेडेडनेस कैन बी कॉज्ड बाय द रिड्यूस्ड ऑक्सीजन डिलीवरी टू द ब्रेन। तो अब हार्ट प्रॉब्लम आ रही है तो फिर जो ब्रेन की तरफ है जब नहीं जाएगा, तो एक्चुअली ये सब इन सब चीज़ों को हम जानते हैं, हम इनको वैसे ही एक दफ़ा रिवाइज़ कर रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ पर, एक्सप्लेन किया हुआ है कि लाइट हेडेडनेस है, ऑक्सीजन दिमाग की तरफ नहीं जा रहा था, कार्डिक कंडीशन रिजल्टिंग इन सिंकोप इंक्लूड एरिदमिया, क्योंकि एरिदमिया हो गया था, फिर ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, पुअर वेंटिकुलर सिस्टम, वेंट्रिकल्स काम नहीं ठीक से कर रहे, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हो गया, कोरोनरी आर्टरी की प्रॉब्लम है, वर्टिब्रल आर्टरी इनसफिशिएंसी, अगर वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है, वो इनसफिशिएंसी शो कर रही है तो उस केस में भी हो सकता है। फिर लाइट हेडनेस डेट रिजल्ट्स फ्रॉम ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन में अकर विद एनी क्विक चेंज इन, हमें पता है कि ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन यही होता है कि इंसान लेटा और अचानक खड़ा हो जाए तो उसको चक्कर आ सकता है, प्रोलॉन्ग पोजीशन में वो लेटा हुआ था, काफ़ी देर से लेटा हुआ था, अचानक खड़ा हो जाए, अचानक बैठ जाए तो अचानक उसको चक्कर आ जाते हैं, उसको हम ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन कहते हैं, उसका बीपी थोड़ी देर के लिए कम होता है, तो यही उन्होंने हमें बताया है उसके बारे में। फिर हम सिंकोप में क्या देखेंगे कि फिजिकल एग्जर्शन इन्वॉल्व्स इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर, स्ट्रेनिंग विद बाउल मूवमेंट, लिफ्टिंग, ठीक है, कभी कभी फिजिकल एग्जर्शन करने से एब्डोमिनल प्रेशर भी बढ़ जा रहा होता है फिजिकल एग्जर्शन से, क्योंकि बाउल मूवमेंट पर, और अगर इंसान जब लिफ्टिंग कुछ कर रहा होता है, कुछ उठा रहा है, वेट लिफ्टिंग कर रहा है, तो पेट पर भी प्रेशर पड़ता है, कुछ उन्होंने ऐसा लिखा है। एओर्टिक स्टेनोसिस इज लाइकली टू एक्सपीरियंस लाइट हेडेडनेस एज अ रिजल्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज, अगर एओर्टा स्टिनोसिस की तरफ जा रहा है, वो नर्विंग हो रही है, तो तब भी लाइट हेडनेस आ सकती है एओर्टिक स्टिनोसिस में भी, ठीक है। फिर आगे उन्होंने लिख दिया है कि नॉन कार्डियक रीजन, अगर किसी को एनजाइटी की वजह से चक्कर आ रहा है तो वो ओरिजिन ही डिफरेंट हो गया, अब उसको हार्ट प्रॉब्लम नहीं थी, एनजाइटी थी, या उसको कोई इमोशनल स्ट्रेस थी तो वो फेंट हो गया, कैन काज हाइपर वेंटिलेशन एंड सब्सिक्वेंट लाइट हेडनेस, उसकी अचानक से हाइपर वेंटिलेशन हुई, सांस अचानक से ऐसे तेज़ हुआ, सॉरी दिल की धड़कन तेज़ हुई, ठीक है, और सांस भी, हाँ, और जिसकी वजह से लाइट हेडेडनेस होगी, इसको हमने वेजो वेगल सिंकोप का नाम दिया है, वेजो वेगल, वेगस नर्व होती है ना, वेगस नर्व हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व होती है, ठीक है, आइदर सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक, तो ये उसके अंदर होती है कि इंसान को अचानक कोई चीज़ स्ट्रेस हुई, एनजाइटी हुई, तो ये वेजो वेगल सिंकोप होगा। फिर साइड इफेक्ट ऑफ ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन में आल्सो अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इनिशिएशन एंड रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक मेडिकेशंस, कुछ दवाइयों के नतीजे में भी इंसान को ये सिंकोप हो सकता है, ठीक है, उसको ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन हो सकती है क्योंकि वो वेजोडायलेटर इस्तेमाल कर रहा होता है, तो वेजोडायलेटर के बारे में इन्होंने बता दिया। फिर सिंकोप डेट अकर्स विदाउट एनी वार्निंग पीरियड ऑफ द लाइट हेडनेस, कभी कभी ना सिंकोप हो जाता है और कोई वार्निंग साइन नहीं होता, कोई चक्कर नहीं उसको आया, कोई डिजीनेस नहीं हुई, कोई दिल खराब नहीं हुआ, ठीक है, तो इट मे बी अ साइन ऑफ हार्ट वेल्व और एरिथमिया प्रॉब्लम, तो हम कह सकते हैं कि अचानक से उसको सिंकोप आया ना, कोई अलार्मिंग साइन, कोई वार्निंग साइन नहीं था आया, तो यानी उसका कोई हार्ट का वेल्व इन्वॉल्व है या उसको रिदम प्रॉब्लम है, एरिथमिया हुआ है, ओके।
फिर फटीक के बारे में देख लेते हैं, थकावट क्यों हो जाती है। फटीक प्रोवोक्ड बाय द मिनिमल एग्जर्शन इंडिकेट्स द लैक ऑफ द एनर्जी। अगर उसने थोड़ी सी भी एग्जर्शन की है, मिनिमल एग्जर्शन की है, थोड़ा सा काम किया उसने और उसको एनर्जी उसकी ख़त्म हो गई है, तो बीच में भी कार्डियक रीजन कोई कोरोनरी आर्टरी की प्रॉब्लम हो सकती है, एओर्टिक वाल्व डिसफंक्शन, कार्डियोमायोपैथी, मायोकार्डाइटिस हो सकता है। और मैं आकर सेकेंडरी टू द न्यूरोलॉजिक कोई ब्रेन प्रॉब्लम है, अगर उसको मस्कुलर प्रॉब्लम है, कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिक और पल्मोनरी कोई कंडीशन में भी उसको थकावट हो सकती है। ऑफन फटीग ऑफ द कार्डिक नेचर इज अकम्पेंड बाय एसोसिएटेड सिम्टम्स। तो अगर तो फटीग कार्डिक नेचर की है, ठीक है, कार्डिक ओरिजन है उसका, तो फटीग अकेले नहीं होती, उसका थकावट के साथ साथ उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उसको चेस्ट पेन, पैल्पिटेशंस, हेडेक, ये सारा कुछ हो रहा होता है, ठीक है। और ऊपर उसने हमें कंडीशंस बता दी हैं कि कोई कोरोनरी आर्टरी की प्रॉब्लम थी, कोई कार्डियोमायोपैथी थी, मायोकार्डाइटिस था, वेल्व प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो ये हमें फटीक डेट डज नॉट बियॉन्ड डेट गोज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन ड्यूरिंग आफ्टर और आफ्टर एक्सरसाइज, स्पेशली इन अ क्लाइंट विद नॉन कार्डियक कंडीशन मस्ट बी क्लोजली मॉनिटर्ड, ठीक है। कि अगर उसको बहुत मतलब इतना तो उसने काम नहीं किया, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही फटीक हो रही है उसको, तो उसको अच्छे से मॉनिटर करना चाहिए। और इट शुड बी रिकमेंडेड डैट इट शुड बी रिमेंबर्ड डैट बीटा ब्लॉकर्स प्रिस्क्राइब फॉर द कार्डिक प्रॉब्लम्स कैन ऑल्सो कॉज अनयूजुअल फटीक सिम्टम्स। तो जो बीटा ब्लॉकर्स हैं वो हम हार्ट के पेशेंट्स को दे रहे होते हैं, तो बीटा ब्लॉकर्स भी अनयूजुअल फटीग काज करती है। अब कफ के बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे हम थोड़े बहुत सिम्टम्स मजीद पढ़ेंगे। कफ क्या है जी? कफ इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद पल्मोनरी कंडीशंस बट इट मे अकर एज अ पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन। तो जो कफ है, खांसी है, वो तो हम अक्सर बात करते हैं कि लंग्स में प्रॉब्लम है, लंग्स में स्प्यूटम जमा हुआ है, ठीक है, कोई लंग्स की प्रॉब्लम थी तो उसकी वजह से कफ हो रही है, लेकिन अकर्स एज अ पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन ऑफ द कार्डियोवास्कुलर पैथोलॉजिक कम्प्लेक्स। मतलब कोई हार्ट प्रॉब्लम थी, उससे लंग्स डैमेज हुए, जिसने हमने ऊपर भी बात की थी कि पल्मोनरी कंजेशन हो जाती है, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन की अब उसने हमें बात की है कि लेफ्ट वेंट्रिकल्स तो अब कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं रहे, तो ब्लड तो ऊपर बैक फ्लो करके पूलिंग करेगा ना, ऊपर जाएगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन इंक्लूडिंग मिट्रल वाल्व डिसफंक्शन। तो हाँ जी, मिट्रल वाल्व भी लेफ्ट साइड पे होता है, तो अगर उस वाल्व की भी अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसकी वजह से रिजल्टिंग फ्रॉम पल्मोनरी एडिमा और द लेफ्ट वेंट्रिकुलर CHF। तो पल्मोनरी एडिमा था, कोई लेफ्ट वेंट्रिकुलर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, तो मे रिजल्ट इन कफ व्हेन एग्रेवेटेड बाय द एक्सरसाइज। तो फिर कफ होगी और एक्सरसाइज करने से तो और ही खांसी उसको होगी, और एक्सरसाइज करने से या कोई स्ट्रेस, मेटाबॉलिक स्ट्रेस अगर आ जाए उसको, या स्पाइन पोजीशन में अगर वो सीधा लेटेगा भी, तब भी उसको बड़ी खांसी हो सकती है, क्योंकि उसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रॉब्लम है और उसको पल्मोनरी एडिमा भी हुआ हुआ है। तो द कफ इज़ ऑफन हैकिंग एंड मे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट्स ऑफ द फ्रॉथी ब्लड टिंग्ड स्प्यूटम। तो जो कफ होता है उस मतलब बहुत ब्लड टिंग्ड स्पूटम भी आ सकता है, स्पूटम, ठीक है, इस तरह का बलगम आएगा जिसके अंदर ब्लड भी हो सकता है। तो इन द केस ऑफ CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कफ डेवलप्स बिकॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ द फ्लूइड इज ट्रैप्ड इन द पल्मोनरी एरिया टचिंग द लंग म्यूकोसा। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर कंजेशन, जब हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, कंजेशन हो गई है, ठीक है, वो कंट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था, ब्लड उधर ही कंजेशन काज कर रहा है। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर जो फ्लूड है वो लंग्स के अंदर ट्रैप हो जाता है और लंग म्यूकोसा को इरीटेट करता है, और जिसकी वजह से खांसी होती है। तो ये हमने कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को रिलेट कर दिया। आपके साथ साइनोसिस थोड़ा सा है, अधीमा थोड़ा देखेंगे, क्लॉडिकेशन वगैरह देखेंगे, और आहार में वाइटल साइंस की छोटी सी हेडिंग देखेंगे हम। अच्छा जी, तो साइनोसिस यही है कि ब्लू हो जाता है, ठीक है, ब्लू कलरेशन हो जाती है। तो साइनोसिस इज़ अ ब्लूइश डिसकलरेशन ऑफ द लिप्स एंड नेल पैड्स ऑफ द, खास तौर पर ये लिप्स के ऊपर ऐसा श्योर होता है। अक्सर अनीमिक पेशेंट्स देखो, या अक्सर जिनको ये साइनोसिस है ना, तो वो लिप्स की कलर ख़राब हो जाता है, नेल पैड्स ऑफ द फिंगर्स, लोगों को अगर चेक करना हो तो उनके नेल पैड्स देखते हैं कि इधर, क्योंकि पेरिफ्री है तो उधर देख रहे होते हैं टोज को। डेट अकम्पनीज इन एडिक्वेट ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स, जिससे हमें पता चलता है कि इसका जो ऑक्सीजन लेवल है ब्लड में वो कम था, रिड्यूस अमाउंट ऑफ द हीमोग्लोबिन है। ऑल्दो साइनोसिस कैन अकंपनी हीमेटोलॉजिक और द सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स। तो जो साइनोसिस होता है ना, उसके अंदर वो किसी भी ब्लड डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, एनीमिया रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तब भी हो सकता है। मोस्ट ऑफन विजिबल साइनोसिस अकंपनीज कार्डियक एंड पल्मोनरी प्रॉब्लम्स। तो ज़्यादातर जो साइनोसिस है वो हार्ट प्रॉब्लम में होता है या लंग्स प्रॉब्लम में भी हो रहा होता है। एडिमा के बारे में देख लेते हैं जी। एडिमा इज़ अ फॉर्म ऑफ अ 3 pound और ग्रेटर वेट गेन और अ ग्रेजुअल कंटिन्यूस गेन ओवर द सेवरल डेज डेट रिजल्ट्स इन। अच्छा,
तो वज़न बढ़ जाता है इंसान का भी, ठीक है, कहीं पे धीमा हुआ हो तो फिर स्वेलिंग हुई हुई है, फ्लूड एक्यूमुलेट हुआ है, इंसान का अपना वज़न भी बढ़ ही जाएगा, 3 पाउंड और वेट उसका ग्रेटर वेट हो जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता तो सेवरल डेज के अंदर तो रिजल्ट इन द स्वेलिंग ऑफ द एंकल्स। तो फिर जिस बंदे का मतलब वेट भी बढ़ रहा है और फिर उसकी जो स्वेलिंग होगी वो एंकल्स के रीजन पर, एक्चुअली हार्ट पेशेंट्स में भी अक्सर हम देखेंगे तो एंकल उसके सूजे होते हैं, तो स्वेलिंग ऑफ द एंकल होती है, पेट में भी स्वेलिंग होती है, हैंड्स में भी, और फिर साथ साथ सिर्फ एंकल पेट और एंकल अब्डोमिन और हैंड्स में नहीं होता, कंबाइंड विद द शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ, उसको साथ साथ सांस भी उखड़ रहा है, सांस की भी प्रॉब्लम है उसको, ठीक है, फटीग भी होती है, डिजीनेस भी होती है, तो ये रेड फ्लैग होता है जी CHF का कि उसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, कि जिसकी वजह से उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी है, डिजीनेस भी है और अडीमा भी हो गया है। फिर लिखा हुआ है कि जी अदर अकम्पनिंग सिम्टम्स में इंक्लूड जगुलर वेन डिस्टेंशन, तो जो जगुलर वेन होती है ना वो भी फूल जाती है, और साइनोसिस ऑफ द लिप्स, तो ये भी उसने हमें अडीमा के अंदर बताया है कि अडीमा के अंदर जगुलर वेन की भी डिस्टेंशन हो रही है, लिप्स की साइनोसिस भी हो रही है, और अपेंडिजेस ये उंगलियां फिंगर्स की भी। फिर राइट अपर क्वाड्रेंट पेन डिस्क्राइब्ड एज द कांस्टेंट एकिंग और शार्प पेन में अकर सेकेंडरी टू द इनलार्ज्ड लिवर इन दिस कंडीशन। एडिमा के केस में ना लिवर सिरोसिस भी हो जाता है, लिवर इनलार्ज भी हो जाता है, ठीक है, तो फिर जो राइट साइड पर लिवर है तो राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन हो रही होती है, वो कांस्टेंट एकिंग भी हो सकती है, शार्प पेन भी हो सकती है। फिर राइट हार्ट फेलियर, क्योंकि राइट के दो सॉरी हार्ट के अगर दो पार्ट किए जाएँ, एक लेफ्ट और एक राइट, तो राइट हार्ट अगर फेल हो गया है, ठीक है, जिसके जिसके थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने जाना था लंग्स के अंदर और फिर साफ होकर लेफ्ट में आता है, कुछ ऐसे ही है, हाँ जी, तो राइट हार्ट फेलियर हो गया है। सबसिक्वेंट अडीमा कैन अकर आल्सो अकर सेकेंड इज द कार्डिक सर्जरी, किसी ने सर्जरी कराई है तो कार्डियक सर्जरी के बाद ना मोस्टली ऐसा होता है कि एडिमा हो जाता है या फिर राइट हार्ट फेलियर हो जाता है, या वीनस वेल्व इनकम्पिटेंस हो, वेन्स के भी वेल्व्स होते हैं, वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, जब लोअर एक्सट्रीमिटी से वो ब्लड लेकर आ रही होती हैं, लेग से लेकर आ रही होती हैं, तो आपको पता है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है, नीचे से ऊपर की तरफ आ रही हैं, तो क्या होता है कि वेल्व्स होते हैं कि बैक फ्लो ना ब्लड का कर जाए, अगर वेन्स के वेल्व ख़राब हो जाए तो तब भी उन्होंने हमें बताया है कि ये एडिमा हो जाता है बिल्कुल वेंस, तो ब्लड नीचे एक्यूमुलेट करना शुरू कर जाएगा और ऊपर नहीं आएगा तो एडिमा हो जाएगा। कार्डियक वेल्व स्टेनोसिस अगर हो गई है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, कोई मिट्रल वाल्व डिसफंक्शन है, तो इन सब केसेस में एडिमा हो रहा होता है, तो इन सब डिजीज़ को हमने याद करना है कि मिट्रल वाल्व कोई प्रॉब्लम थी, ठीक है, बाइकस्पिड वाल्व की वेल्व की। तो नॉन कार्डियक काजेज ऑफ द एडिमा में इंक्लूड पल्मोनरी हाइपरटेंशन, अगर हम नॉन कार्डियक काजेज देखें क्या, तो वो कार्डियक काजेज नहीं है लेकिन लंग की वजह से लंग हाइपरटेंशन अगर होगी, या किडनी प्रॉब्लम है तो किडनी प्रॉब्लम हो तब एडिमा हो जाता है, लंग्स प्रॉब्लम हो तब हो जाता है, सिरोसिस में अगर किसी को बर्न इंजरी हुई है, बर्न वो जल गया है तब एडिमा हो जाता है, इन्फेक्शन के नतीजे में, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन में, यूज़ ऑफ एनसेड्स नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज़ करने से एडिमा हो सकता है, किसी एलर्जी के रिएक्शन में, ठीक है, ओके। व्हेन एडिमा एंड अदर अकम्पनिंग सिम्टम्स परसिस्ट डिस्पाइट रेस्ट, मेडिकल रेफरल इज रिक्वायर्ड, तो क्या एक रेस्ट भी कर लिया अभी भी उसके जो सिम्टम्स हैं वो आ रहे हैं तो उसको क्या चीज़ चाहिए, रेफर कर दो। ऑलराइट, फिर अब आ जाता है हमारे पास एडिमा ऑफ कार्डियक रीजन में रिक्वायर ECG, अगर कोई हार्ट प्रॉब्लम की वजह से एडिमा था तो ECG कर लो, मॉनिटरिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज और एक्टिविटी, द फिजिशियन मे नॉट वांट द क्लाइंट स्ट्रेस्ड व्हेन ECG चेंजेस आर प्रेजेंट, वेयर एज एडिमा ऑफ पेरिफेरल रीजन ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग, अच्छा तो अगर कार्डियक रीजन की प्रॉब्लम है तो ECG करा लो, अगर वैसे ही कोई पेरिफेरल रीजन की प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट करो, फिर क्लॉडिकेशन रह जाएगा हमारे पास एंड में, और फिर वाइटल साइंस बस देखने रह गए जी। तो क्लॉडिकेशन क्या होती है, क्लॉडिकेशन के बारे में हम जानते हैं कि लोअर लिम के अंदर, लेग्स के अंदर एक्चुअली पेन होती है, ठीक है, और वो आर्टरी की नैरोइंग की वजह से भी हो सकती है कि ब्लड उस उधर इतना मिल नहीं रहा, टांगे दर्द करती हैं अक्सर लोगों की, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लें, एक्सेसिव वॉक करें तो क्या है कि उधर इतना इनफ ब्लड नहीं मिल रहा कि वो सप्लाई कर सके, मसल्स फटीग्ड हो गए, तो क्लॉडिकेशन ऑफ द लेग पेन अकर्स विद पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़, तो वहाँ पर कोई आर्टरी की प्रॉब्लम हो या वेन की भी चलो प्रॉब्लम हो, मोस्टली आर्टीरियल प्रॉब्लम होती है, तो ऑफन अकरिंग साइमल्टेनियसली विद कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ और
अगर हार्ट की आर्टरी की प्रॉब्लम है तो ये तब भी हो जाती है क्लॉडिकेशन. क्लॉडिकेशन कैन बी मोर फंक्शनली डिबिलिटेटिंग दैट देन अदर एसोसिएटेड सिम्टम्स सच एज एंजाइना और डिस्निया. तो क्लॉडिकेशन उसने लिखा है कि ये हो सकती है कुछ और सिम्टम्स के साथ साथ एंजाइना और डिस्निया के साथ एनमे अकर इन एडिशन टू दीज सिम्टम्स. फिर द प्रेजेंस ऑफ पिटिंग एडिमा अलॉन्ग विद द लेग पेन इज यूजली एसोसिएटेड विद वास्कुलर डिजीज. अच्छा कि मतलब उसको पिटिंग एडिमा भी साथ साथ है. पिटिंग एडिमा वही है कि हाथ लगाओ तो वो अंदर गड़ा सा हो जाता है, मतलब आपकी उंगली अंदर चली जा रही है. अगर एडिमा वो पिटिंग एडिमा होता है, साथ साथ लेग पेन है, पिटिंग एडिमा है, तो ये उसको कोई वैस्कुलर डिजीज़ ही है. अदर नॉन कार्डियक काजेज ऑफ द लेग पेन हो सकते हैं कि अब टांगों में दर्द हुई नहीं कि कोरोनरी आर्टरी प्रॉब्लम है या कोई आर्टीरियल स्टेनोसिस है, तो कुछ और भी हो सकता है, लाइक शियाटिका की वजह से हो सकती है. ज्यूडो क्लॉडिकेशन भी होती है, एक एंटीरियर कंपार्टमेंट सिंड्रोम है, गाउट है, और पेरिफेरल न्यूरोपैथी केस में ठीक है नर्व प्रॉब्लम में भी हो सकती है, वेजल्स के अलावा, वास्कुलर प्रॉब्लम के अलावा. तो इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड फ्राम पेन एसोसिएट विद पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज. पर लो बैक जो पेन है एसोसिएट विद ज्यूडो क्लॉडिकेशन ऑफन इंडिकेट्स स्पाइनल स्टिनोसिस. तो अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को स्पाइनल स्टिनोसिस होती है, नैरोइंग हो रही होती है स्पाइनल जो वर्टीब्रा उनके अंदर, ठीक है. तो स्पाइनल स्टिनोसिस के केस में भी ना ज्यूडो क्लॉडिकेशन होती है. इसी तरह द डिसकम्फर्ट एसोसिएट विद ज्यूडो क्लॉडिकेशन इज फ्रिक्वेंटली बायलेटरल. अगर किसी को ज्यूडो क्लॉडिकेशन है तो वो दोनों टांगों में उसकी होगी, ठीक है, एंड इम्प्रूव्स विद रेस्ट और फ्लेक्शन ऑफ द लंबर स्पाइन. और रेस्ट करने से जो ज्यूडो क्लॉडिकेशन है वो रेस्ट वगैरह करने से और फ्लेक्स करने से लंबर स्पाइन को आगे की तरफ झुकने से, ठीक है, फ्लेक्स स्पाइन ऑफ द लंबर रीजन, तो फिर उधर से यू नो वो ठीक हो सकती है. फिर लिखा हुआ है कि वास्कुलर क्लॉडिकेशन में अकर इन द एब्सेंस ऑफ फिजिकल फाइंडिंग्स बट इज़ यूजली अकम्पेनियड बाय द स्किन डिसकलरेशन. अच्छा जो वास्कुलर होती है ना क्लॉडिकेशन, अगर आप देखो तो उधर स्किन का कलर ख़राब हो जाएगा, ट्रॉपिक चेंजेस, ऐसे जो स्किन है वो थिन सी ड्राई हो जाएगी, हेयरलेस स्किन हो जाएगी, तो ये वास्कुलर डिजीज़ में होता है. और जो कोर टेम्परेचर होता है, जो पेरिफ्री पे जो पल्सेस होती हैं, और जो स्किन टेम्परेचर होता है ना वो भी चेक करना चाहिए. कूल स्किन इज़ मोर इंडिकेटिव ऑफ द वास्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन. अगर स्किन ठंडी पड़ गई है तो मतलब वेजल्स ही ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है. वार्म टू हॉट स्किन इंडिकेट द इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन. और अगर गर्म स्किन हुई हुई है उस जगह पे तो मतलब टांगें वैसी दर्द कर रही हैं, उधर कोई इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है. और अगर कूल स्किन है तो मतलब आपको पक्का पता चल जाना चाहिए कि इधर ब्लड फ्लो ठीक से नहीं आ रहा, कोई आर्टरी की कोई वेजल की प्रॉब्लम है. लिखा हुआ है कि अब्रप्ट onset of the ischemia, ischemic rest pain or the sudden worsening of the intermittent coagulation may be due to the thromboembolism. कोई क्लाट भी होना बना हुआ तो उस वजह से भी ना intermittent coagulation हो जाती है. फिर आगे क्या लिखा हुआ है, the people with intermittent coagulation have normal appearing skin at the rest. अगर वो रेस्ट पे उसकी स्किन भी ठीक है और एक्सरसाइजिंग द एक्सट्रीमिटी टू द पॉइंट ऑफ द coagulation usually produce marked paler in the skin over the third distal third of the extremity. तो जो डिस्टल थर्ड होगा ना, मतलब अगर टांग के मतलब उन्होंने चार हिस्से करें तो जो एंड वाला तीन हिस्से हैं डिस्टल थर्ड, ओके, तो उधर उसका ज़्यादातर स्किन का कलर चेंज हो जाता है. आखिरी हेडिंग जो अभी हम देखेंगे वो वाइटल साइंस है कि थेरापिस्ट अगर किसी को कार्डियक रीजन की कोई प्रॉब्लम है तो वाइटल साइंस बड़े देखने पड़ते हैं हमें, उसके हार्ट रेट टेम्परेचर वगैरह. तो द थेरेपिस्ट मे सी द साइंस ऑफ द कार्डियक डिसफंक्शन एज एबनॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ द हार्ट रेट एज अ ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग द एक्सरसाइज. तो देखना होता है कि अगर एक्सरसाइज करने पर इसकी हार्ट रेट पर कितना फ़र्क आ रहा है और इसकी बी पी पर क्या फ़र्क आ रहा है, ठीक है. द थेरेपिस्ट मस्ट रिमेन अलर्ट टू द हार्ट रेट एट इज़ आइदर टू हाई और टू लो ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ठीक है. तो जो हार्ट रेट होता है वो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है. और इरेगुलर पल्स रेट, अगर आप नब्स चेक करो, पल्स चेक करो, वो भी इरेगुलर हो सकती है. असिस्टोलिक ब्लड प्रेशर दैट डज नॉट राइज प्रोग्रेसिवली एज द वर्क लेवल इंक्रीजेज. और अगर आपको पता है कि सिस्टोलिक प्रेशर को राइज करना चाहिए, जब वर्क लोड बढ़ता है, जब इंसान एक्सरसाइज कर रहा होता है तो सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा होता है. अगर वो राइज नहीं हो रहा तो ये भी एक कंडीशन है. सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डेट फॉल्स ड्यूरिंग द एक्सरसाइज और चेंज इन द डायस्टोलिक प्रेशर ग्रेटर देन 15 to 20 mmHg, तो ये सब चीज़ें एक मतलब कंसिडर करने की ज़रूरत है, मोनिटरिंग की ज़रूरत है. ये एग्ज़ाम्पल वैसे हमने देखी है, इसके अंदर वैसे ही चीफ कंप्लेंट लिखी हुई है, सोशल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री,
करंट मेडिकेशंस, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन वगैरह, तो एज इट इज़ बातें लिखी हुई हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये हम खुद भी देख लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। यहाँ तक हमने इस चैप्टर को करना था, हमने इसके कुछ साइंस एंड सिम्टम्स देख लिए जो कि कार्डियोवास्कुलर इन नेचर थे। आई होप सो ये समझ आ गई होगी हम सबको, ये वीडियो हेल्पफुल होगी हम सबके लिए। और काइंडली रिमेंबर मी इन योर प्रीशियस एंड जेन्युइन प्रेयर्स। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।